हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे साथ जुड़े हुए यशवंत जी जो कि लकड़ी के कॉन्ट्रैक्टर हैं। ओके तो शर्मा जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि सिंगल पताम क्या होता है और डबल पताम क्या होता है, तो इसको बारे में बताइए। सर, सिंगल पताम और डबल पताम में कन्फ्यूजन होने का जरूरी नहीं है। जो मेन डोर होता है वहाँ पर डबल पताम करनी चाहिए, हर जगह डबल पताम नहीं करनी चाहिए। जो मेन एंट्रेंस हो गया जहाँ से आपका हवा का आवागमन है, ओके ठीक है, वहाँ पे आपको जैसे आपके रूम के अंदर बालकोनी है तो उस बालकोनी में आप डबल पताम दे सकते हैं, क्योंकि आप मेन गेट खोल के आप बाहर का हवा जाली से ले सकते हैं। ठीक है, मेन डोर हो गया। अब मेन डोर पे ऑप्शन है, मेन डोर पे इसलिए ऑप्शन होता है जो हम बाहर का हवा ले सकते हैं। मतलब बेसिकली जहाँ पे दो फ्रेम लगने हैं वहाँ पे डबल पताम, जहाँ पे एक फ्रेम लगना है वहाँ पे सिंगल पताम होता है। और इसमें अब एक चीज और है कि जैसे जहाँ पे दो हमारे फ्रेम लगने हैं, जैसे कि दो दरवाजे लगने हैं, जहाँ पे जाली वाला लगना है, लकड़ी वाला लगना है, तो वहाँ डबल पताम। तो डबल पताम की मिनिमम कितनी थिकनेस होनी चाहिए? देखो जी, कम से कम मिनिमम जो है 6 इंची का लकड़ी लेना चाहिए। अच्छा ठीक है। आज के डेट में क्या होता है, जो मिनिमम लोकल कारपेंटर क्या करते हैं, जो 1.25 इंची का पताम देते हैं और 1.25 इंची का पल्ला हो जाता है, उसमें डंडाला ठोक देते हैं, लॉक नहीं लग पाता है। अच्छा, अगर आप लॉक लगाने के लिए जाते हो तो अगला बंदा लॉक का ऑप्शन तो दे देगा लेकिन लॉक नहीं लग पाता है। जो बढ़िया कारपेंटर है, आप अगर उसको बोलोगे भैया मेरे यहाँ एक दरवाजा है उसमें लॉक लगाना, तो वो बंदा खुशी खुशी आपके यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन थिकनेस क्या होता है, 1.25 इंच। उस 1.25 इंच में हमारी लॉक की जो थिकनेस होती है वो अंदर आराम से काम नहीं करता है। अगर कोई ज़बरदस्ती लगा के भी चला गया तो साइड का पर्दा फट जाता है। ओके ठीक है, तो मैक्सिमम कम से कम 1.5 इंची का मोटा थिकनेस दरवाजे का होना चाहिए। ठीक है, 1.5 इंची आपका एक तरफ पताम हो गया, 1.5 इंची एक तरफ पताम हो गया, तो 3 इंची ये खत्म हो गया और 3 इंची बीच का गैप होना चाहिए, वो सफिशिएंट है। बिल्कुल, 6 इंची तो कम से कम आपको लेके चलना ही है। मैंने देखा ना बहुत सारे लोग ना 5 इंची में डबल पताम बनवाते हैं। नहीं, तो 5 इंची में क्या होता है, वो कस्टमर क्या बोलते हैं, अरे भैया मुझे ये फिटिंग लेनी है। तो आजकल क्या होता है, हैंडल में जो है ना सर, एक दूसरे के बीच में, दो दरवाजों के बीच में गैप नहीं रहता है। ठीक है वो टकरा जाते हैं। तो उस समय कस्टमर निराश हो जाते हैं। मतलब वो पहले जो 6 इंची और 5 इंची का रेट सुनते हैं तो वो 5 इंची कम के चक्कर में रहते हैं, बाद में फिर दिक्कत आ जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि शर्मा जी ने अपना 20 साल का एक्सपीरियंस जो है आपको इस वीडियो में बताया, और आप सब लोग जो मुझसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो वो जो सारे क्वेश्चंस हैं मैंने इस वीडियो में उठाने की कोशिश करी है। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और शर्मा जी का जो नंबर है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आपको कोई भी काम करवाना है या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप डायरेक्ट इनसे भी जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।